नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही है, जिसका पहला मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 502 रन बनाकर पारी घोषित की। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली बल्लेबाजी में 431 बनाए। क्विंटन डी कॉक और डीन एल्गर ने साउथ अफ्रीका की तरफ से शानदार शतक जड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 323 रन बनाकर पारी घोषित की और साउथ अफ्रीका को 395 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। दोस्तों, चौथे दिन के खेल में रोहित शर्मा ने तूफानी शतक जड़कर इतिहास रच दिया। रोहित शर्मा ने इस पारी में 7 छक्के जड़े और शतक पूरा किया। चेतेश्वर पुजारा 81 रन बनाकर आउट हुए। रोहित शर्मा 127 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों, रोहित शर्मा ने टेस्ट के दोनों पारियों में शतक जड़कर इतिहास रच दिया और 4 बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किया है, तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, रोहित शर्मा ने टेस्ट के दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के 9वें बल्लेबाज बने। सबसे पहले यह कारनामा विजय हजारे ने किया था। सुनील गावस्कर यह कारनामा 3 बार कर चुके हैं। नंबर 2, रोहित शर्मा ने पहली बार टेस्ट में ओपनिंग करते हुए सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित के पहले यह रिकॉर्ड के वेल्सेस के नाम था, जिन्होंने 208 रन बनाए थे। नंबर 3, एक टेस्ट के दोनों पारियों में पहली बार ओपनिंग करते हुए शतक लगाने के मामले में रोहित शर्मा पहले भारतीय खिलाड़ी बने। नंबर 4, दोस्तों, रोहित शर्मा इस मैच में कुल 13 छक्के लगाए हैं, तो छक्के लगाने के मामले में पहले भारतीय खिलाड़ी बने। उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।